नर्मदापुरम में भी न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने का दमदार असर हुआ है। कल न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे इटारसी रेलवे स्टेशन पर वेंडर डिस्पोजेबल पैकेट को धोकर उसका दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद रेलवे प्रशासन जागा और इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के खान पान स्टॉल को सील कर दिया गया है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ खबर का असर है जहां पर हमने खबर दिखाई कैसे खाने के पैकेट्स को खाली कर उन्हें दोबारा धोया जा रहा है ताकि दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, और खबर दिखाए जाने के बाद देखिए खान पान का स्टॉल सील हो गया है। वहीं शिवपुरी में भी न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने का असर हुआ है। शिवपुरी के मणिखेड़ा में पानी की पाइपलाइन लंबे समय से खराब पड़ी हुई थी। मेला दुकानदारों ने बोर पर यहां पर कब्जा कर लिया था जिसकी वजह से स्थानीय लोग पीने के पानी के लिए जूझ रहे थे। न्यूज 18 ने यहां पानी के संकट को लेकर खबर दिखाई। खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन मौके पर पहुंचा और मेला दुकानदारों के कब्जे से बोर को मुक्त कराया। मणिखेड़ा की जो पाइपलाइन थी उसे ठीक किया जा रहा है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 का धन्यवाद दिया है। नौतपा के बीच मध्य प्रदेश की धरती तप रही है। बढ़ते तापमान और आसमान से बरसती आग के बीच उज्जैन में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच जिला अस्पताल में लगे पंखों ने काम करना बंद कर दिया है जिसकी वजह से मजबूरन मरीजों को अपने घर से कूलर और पंखे लाने पड़ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए कलेक्टर ने जिला अस्पताल में बड़े कूलर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर बड़े कूलर्स के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे और जल्द ही जिला अस्पताल में बड़े बड़े कूलर्स लगा दिए जाएंगे। हाँ, घर से पंखे कूलर सब ले लेके आ रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? पंखों में बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही, इतनी गर्मी है अंदर। तो कितने दिन से भर्ती थी? हमें आज इतवार के दिन से भर्ती थी, 3 दिन। कब से भर्ती भैया? 4 दिन। ये यहाँ पे पंखे की व्यवस्था आप का है लेकिन हवा नहीं देता, गर्मी ज्यादा है। तो आप घर से लेके आए? गर्मी इतनी है कि गर्मी अच्छे से तो सहन होता, फिर बेचारे बीमार इंसान तो नहीं बीमार होंगे। आज लोग को हो गए 5-6 दिन हो गए। पंखे काम नहीं कर रहे? पंखे काम कर रहा है लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है कि पंखे लाना पड़ रहा है। घर से लाया? हाँ, ये पंखा घर से लाए। क्या पेट में तकलीफ है? तो घर से पंखे लेके आना पड़ रहा है। हाँ, गर्मी तो पंखे हवा कम दे रहे हैं, गर्मी के मारे गर्मी ज्यादा है, फिर रात तो निकालना पड़े जैसे भी पास में रहेगा कोई। तो व्यवस्था शासन स्तर पर चालू हो गई है। आदेश जो है कलेक्टर साहब दे के गए हैं कि ठंडक के लिए कुछ किया जाए और जल्दी से जल्दी बड़े जो कूलर्स हैं वो वार्ड में लगाए। नौतपा के चौथे दिन एमपी में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी के इस प्रहार से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गर्मी ने किस कदर लोगों को परेशान किया हुआ है। भीषण गर्मी की वजह से एमपी के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पारा 48 के पार पहुंच गया। यात्री परेशान हैं। मंदिरों में भगवान को ठंडक में रखने के लिए यहाँ AC लगाए जा रहे हैं लेकिन बाहर सड़क पर जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। यात्रा करना मुश्किल हो रहा है, काम करना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से पानी का संकट भी इस मुश्किलों को बढ़ा रहा है। चलो, वो नहीं सुन रहे।